हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग क्लास 7 साइंस। आई वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल गाइस दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए टेस्ट ऑन चैप्टर 1, नॉट एमसीक्यू टेस्ट बट ए प्रॉपर यूनिट टेस्ट और वी कैन से क्लास टेस्ट, है ना। जैसे हम हमेशा स्कूल में लेते हैं उस तरह की क्लास टेस्ट हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1 पे साइंस के लेने वाले हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पस आई एम प्रोवाइडिंग यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट। मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप असाइनमेंट हेडिंग डालो, आज की डेट डालो, ठीक है। और उसके नीचे आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है असाइनमेंट के अंदर के, ये आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये लर्न करके लिखो, आप इनके ये क्वेश्चंस के आंसर्स क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप देख देख के, ढूंढ के, मन से, जैसे आपको लगता है वैसे आप ये क्वेश्चन के आंसर्स क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो टेस्ट में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो एनसीईआरटी के जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जो हमने नोटबुक में पहले ही लिखे हैं, वो क्वेश्चंस आएंगे। और उसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ इनके भी क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल्स लिखो। शायद दिए होंगे मैंने ये आपको पहले भी न्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स, ठीक है, ढूंढो। व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या, राइट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फाइव, Why plants are called autotrophs? Plant को autotrophs क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, because they can prepare their own food, है ना। मैं लिख के नहीं दूंगी, orally बता सकती हूँ कि plants can prepare their own food, therefore they are called as autotrophs. Six, give some examples ऑफ ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल बताओ। आप कुछ चार पांच प्लांट के नाम इसमें लिख सकते हो, है ना। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। एट, क्योंकि आपको अभी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जैसे क्वेश्चंस कम आएंगे, आपको जो है एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये भी साथ में आ सकते हैं, बराबर, है ना। अभी हमें सिर्फ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं, बराबर। तो ये सारे क्वेश्चंस की हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स, बराबर, पैरासाइट्स के, सिम्बायोसिस के, और कौन है, कौन बचा, इंसेक्टिवोरस के एग्जांपल्स भी आपको क्या करने हैं, लिखने। 8 क्वेश्चन, गिव सम एग्जांपल ऑफ पैरासाइट, सिम्बायोसिस एंड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, 9, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ढूंढो इसका आंसर। नोटबुक में भी मिल सकता है आपको या टेक्स्ट बुक में भी मिल सकता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। 10, नेम द कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कौन से कंपोनेंट चाहिए, वो कंपोनेंट्स आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। नेम द कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। 11, व्हाट आर स्टोमेटा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन मुझे डाल सकते हो, मैं उसका आंसर आपको क्या करूँगी, प्रोवाइड करूँगी ग्रुप के ऊपर। ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की डायग्राम ड्रॉ करो। आपके नोटबुक, आपके टेक्स्ट बुक में स्टोमेटा की डायग्राम आपको क्या की हुई है, दिखाई हुई है, ठीक है। उसके बाद में शो द डायग्राम ऑफ शो, मतलब शो मत करना, एक्चुअल में ड्रॉ करना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डायग्राम ड्रॉ करो। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको फोटोसिंथेसिस की डायग्राम भी मिलेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासाइट। व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स। व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स। गिव सम एग्जांपल्स। व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स, गिव सम एग्जांपल्स। नेम टू ऑर्गेनिजम्स। दिख नहीं रहा है ना, सी, नेम टू, पॉज करो वीडियो और लिख लो। नेम टू ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन लाइकेन। लाइकेन्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहने वाले दो के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द बैक्टीरिया दैट हेल्प कन्वर्टिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन काय में करते हैं, नाइट्रेट में करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। टोटल 17 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है। ये 17 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सॉल्व करके मुझे 2 PM आज के आज 2 PM से पहले मुझे इनके आंसर्स क्या चाहिए, ग्रुप के ऊपर चाहिए, ठीक है। ये मैं चेक करूँगी आपके आंसर्स बराबर हैं कि नहीं, और उसके बाद में मैं आपको क्या करूँगी, टेस्ट की, चैप्टर 1 के टेस्ट की मैं डेट जो है वो आपको क्या करूँगी, फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है। चलो लिखो। लिखना होने के बाद में मुझे आज के आज एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको क्या करने हैं, डालने हैं, ठीक है। बाय।